की फ्लोरिंग कौन सी लगानी चाहिए, बड़ा बाथरूम में तो कौन सी लगानी चाहिए, छोटा बाथरूम में तो कौन सी लगानी चाहिए। पिछले वीडियो में अपन ने बात की थी 4:2 का, अगर बाथरूम बना रहे हो तो अपन 2x2 4:2 की अपन मेट फिनिश टाइल लगाते हैं, लेकिन छोटा बाथरूम में तो बाथरूम की फ्लोरिंग क्या लगानी चाहिए, आज उसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हेमराज मेनरिया, मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज आपको मैं जानकारी दूंगा बाथरूम की फ्लोरिंग 12x12 यानी 1x1 की। अमूमन आपने देखा होगा 18x12 और 24x12 जब भी टाइल्स लगाते हैं तो उसकी फ्लोरिंग क्या लगाते हैं, एक कन्फ्यूज़न पैदा होता है कि आप, मैंने कई जगह पे देखा है, कई मार्बल, कई कोटा स्टोन तो कई टाइल्स, तीनों प्रकार का चलता है। जैसे मैंने बहुत से सर्कल में जाके देखा है तो वहाँ पे कोटा स्टोन या पत्थर लगा हुआ देखा है अमूमन, लेकिन अब ज़्यादातर टाइल्स लगती है तो 12x12 की टाइल्स ज़्यादातर यूज़ हो रही है बाथरूम में और मैट फिनिश। 12x12 में भी NTS का और नॉन NTS का दो प्रकार की टाइल्स बाथरूम फ्लोर में लग रही हैं। प्लेन, उसमें वाइट, जैसे बाथरूम में 18x12 और 24x12 जो डिज़ाइन आती है उनके हिसाब से भी टाइल्स की डिज़ाइन आती है। जैसा पैटर्न वॉल का रहता है उसी का पैटर्न फ्लोर में भी आने लग गया है इस प्रकार के, और वाइट, येलो, रेड स्पेशल कलर भी आते हैं। आप कौन सी लगाना चाहते हैं वो आप पे निर्भर करता है, लेकिन मैं उसकी जानकारी देना चाहता हूँ, एक बॉक्स में कितना फिट माल आता है या कितने पीस आते हैं और कितना फिट एरिया कवर करेगा उसके बारे में आज बात करेंगे। तो आपके सामने दिख रही होगी ये टाइल्स, देख सकते हैं ये टाइल्स की साइज है 12x12, 12 इंच बाई 12 इंच, ये NTS का ही है, बिल्कुल ऊपर से खुरदरापन है, देख सकते हैं आप। बॉडी की बात करें तो आप देख सकते हैं क्रस्टलाइन बॉडी टाइप ये टाइल्स आती है, रेड माटी टाइप कलर दिखता है आपको नीचे से टाइल्स का। एक बॉक्स में 9 पीस आता है और 9 फिट, एक बॉक्स में 9 फिट स्क्वायर फिट काम होता है। इसमें बहुत से कलर मिलते हैं, जैसा आप ये देख रहे हैं ये 12x12 की प्लेन वाइट टाइल्स है, इसका सरपज बिल्कुल प्लेन है, आपको ये बिल्कुल वाइट दिख रही होगी। आप एंटी स्काई में वाइट देखेंगे तो देख सकते हैं, इस प्रकार मैं आपके सामने बता रहा हूँ। ये भी वाइट में एंटी स्काई है। पीस की बात करें देख सकते हैं आप, गिन सकते हो 1 2 3 9 पीस आते हैं, वो ये देख सकते हैं, ये वाइट और ये वाइट देख सकते हैं, ये प्लान है, ये NTS का ही। NTS का लगाने के बाद कस्टमर की एक वापस शिकायत रहती है कि NTS का ही, आप देख सकते हैं यहाँ पे खुरदरापन है, तो यहाँ पर वापस गंदगी या मेल कह सकते हैं अपन, या फिर अपन बाथरूम सफाई से अगर हुआ नहीं क्लियर तो यहाँ पे माटी रुक सकती है, इसलिए ये लगाना भी वापस कम पसंद करते हैं तो इस पे जाते हैं। तो वापस कस्टमर की इस पे ये सरपंच सीधा होने के कारण पाव का ग्रिप सीधा नहीं बन पाता है, तो आप NTS के टाइल लगाएं जरूर, दोनों ही सेम है, आपको जो अच्छा लगे वो लगाएं। रेट की बात करें तो 170 से 180 रुपए की बेंच में आपको इस प्रकार की रेंज मिल जाएगी। कलर की बात करें तो बहुत से शेड मिलते हैं, बहुत से कलर मिलते हैं, अलग अलग टाइप में आपको टाइल्स देखने को मिलेगी। जैसे मेरे पास देख सकते हैं आप, ये कलर और जॉनसन का है, अलग अलग ब्रांड में अलग अलग मिलता है, ये सब एंटी, ये भी NTS का टाइल ही है। रेट की बात करें तो 180-200 रुपए की ये टाइल्स 12x12 में इस प्रकार के आपको अलग अलग कलर, बहुत से कलर मिल जाएंगे, इतने ऑप्शन आपके पास रहता है 12x12 में, बाकी बड़ी साइज में आपके पास बहुत ऑप्शन रहते हैं। अधिक जानकारी के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।